सो आइए फ्रेंड, मैं आपको माता रानी के दर्शन कराती हूँ। ये मेरी जो खेतरी हुई है, देखिए कितनी सुंदर हुई है। इसका सीक्रेट भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी बहुत जल्दी। और साथ ही मैंने इसमें जो जलाली है, ये मेरे मंदिर के दर्शन मैं आपको करा रही हूँ। ये मेरे गन्नू भैया, प्रसाद भी साथ साथ रेडी कर लिया है, जिसमें मेरी मदर इन लॉ ने हेल्प करी है। छोले और हलवा मेरी मदर इन लॉ ने बनाया है। साथ ही डब्बे हैं कुछ पीने के लिए, बच्चों के लिए है। और इन डब्बों में मैं इनको पैक कर लूँगी और इनको लेके जाऊँगी। सारे प्रसाद को इस डब्बों में मैं पैक कर लूँगी। ये देखिए, मैंने इस डब्बे में इनको पैक कर लिया है। अब मैं इनको साथ अपने लेकर जाऊँगी, साथ में ये पीने का जो भी बच्चों को देना है वो। लड्डू और गन्नू भैया को नहीं लगाया आपने? गन्नू भैया को लगाओ। दुनिया नजरे, गन्नू भैया फेरे तो फेरे, मुझ पे तेरी नजर है मैया। हट जाओ गन्नू भैया, तेरी गोद में सर है मैया। यहां देखो, वेरी गुड। क्या डर है मैया, दादू को और दादी को भी लगा के आओ, जाओ सबको लगा के आओ। टीका को लगा, वेरी गुड। और अर्जुन भैया को भी लगा दो, अर्जुन भैया को लगाओ, वेरी गुड। और आप ही भी लगा लो, वेरी गुड। हेलो एवरीवन, तो आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दी वाव फैक्टर। ओके फ्रेंड्स, आज अष्टमी का दिन है, आज नवरात्रे एंड हो रहे हैं। जैसे कि सब लोग बोल रहे हैं, अष्टमी और नवमी इस बार एक ही दिन पड़ी है और कल दशहरा है, तो आज हम अष्टमी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो अष्टमी सेलिब्रेट करने के लिए, जैसे कि हम लोग जानते हैं कोरोना टाइम चल ही रहा है, तो कोरोना टाइम में घर पे कंजूगों को बुलाना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, क्योंकि लोग इजीली भेजते भी नहीं हैं अपने बच्चों को, और भेजना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी थोड़ा सा ऐसा क्रिटिकल टाइम चल रहा है, तो हमें थोड़ा सा भी डिस्टेंस मेंटेन करके रहना चाहिए। तो इसलिए आज मैंने प्लान किया है कि मैं एक तरीके से जो कंजके हैं उनके लिए उनका बॉक्स पैक कर दूंगी, जो मुझे उनको गिफ्ट में करना है, उनका बॉक्स पैक करके उनको, मतलब मैं अपने हस्बैंड के साथ जाके अपनी बेटी को लेके जाके मंदिर के आगे, जैसे आपको पता है कि बच्चे बहुत सारे बाहर घूम रहे होते हैं, तो उनको वहीं पर कंजके उनको जिमा के फिर मैं अपनी अष्टमी का पास जो है वो कंप्लीट करूँगी। तो आप भी ये इस तरीके से कीजिए, क्योंकि घर पे अवॉइड कीजिए बच्चों को बुलाना, क्योंकि कोरोना टाइम है, बहुत क्रिटिकल टाइम चल रहा है, तो बच्चों को ज़्यादा सेफ रखना है हमें। तो हम यही कोशिश करें कि हम लोग अगर कोई भी सेलिब्रेशन करना है हमने, तो थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके करें और पूरी प्रिकॉशंस लेकर। ओके, तो आप मेरे सर पे देख रहे होंगे ये कलरफुल, ये मैंने नहीं किया, ये मेरी बेटी है, वो मुझे टीके लगा रही थी। एक्चुअली इसको बड़ा क्रेज़ चढ़ा हुआ है आजकल सबको, क्योंकि अष्टमी के पूरे फास्ट में माता रानी को टीके लगाती, तो वो मुझे देख के टीके लगाते हुए, तो उसको क्रेज़ चढ़ा कि मैं लगाऊंगी, तो उसने ये पूरी मेरे फेस पे रंगोली बनाई है। इनफैक्ट अर्जुन आशी के फेस पे भी रंगोली बनाई है उसने, मैं आपको फोटो ज़रूर शेयर करूँगी इनकी। तो ये उसी की कलाकारियाँ हैं जो मुझे अच्छी लग रही है, और मुझे इसको साफ़ करने का मन भी नहीं कर रहा है। तो मैं आपको नेक्स्ट अपडेट करूंगी जब मैं कंजकों को उनके बॉक्सेस हैंडओवर करूंगी, जब मैं अपना अष्टमी का जो मेरा आज है संकल्प उसको पूरा करूंगी, तब मैं आपको अपडेट करूंगी। सो प्लीज़ स्टे। तो हम घर से निकल चुके हैं मंदिर जाने के लिए। ये जैस्लिन अपने पापा के साथ आगे आगे, पीछे अर्जुन है, फिर मैं और आशिमा, हम लोग जा रहे हैं मंदिर। जैस्लिन मैडम आगे आगे चल रही हैं,
तो हम मंदिर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे काली माता का मंदिर है जो बहुत फेमस है, वहीं जा रहे हैं। तेरी गोद में सर है मैया, अब मुझको क्या डर है मैया। सो फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि मैं मंदिर जाना है, मंदिर हम लोग गए थे अभी। इनफैक्ट हमने जो भी अष्टमी के दिन डोनेट करना है, जो भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, हम वो सब पैक करके अच्छे से सब कुछ गाड़ी में रखकर लेकर गए थे। आई वॉज सो एक्साइटेड, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि भी हाँ चलो ठीक है, बाहर जाके हम लोग एक एक अलग एक्सपीरियंस हुआ उस चीज़ को डोनेट करने का, डिस्ट्रीब्यूट करने का। तो बट इट वॉज वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर अस बिकॉज क्योंकि हम लोगों ने सोचा था कि मंदिर जाएंगे अच्छे से, यू नो, डिसेंटली हम लोग उस चीज़ को डोनेट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन हुआ क्या, थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। प्रॉब्लम ये हुई क्योंकि आज अष्टमी और नवमी एक ही दिन पड़ रही है, तो मंदिर में मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इनफैक्ट मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई थी इस चीज़ को देख कर, कि जैसे ही मैंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला उस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, मतलब लोग ऐसे भाग कर आए, यू नो, कोई मास्क नहीं पहन रखा, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, एंड मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा इस चीज़ को देख के। एंड मैं, यू नो, जैसे वो लोग भाग कर आए, मैं आपके साथ वो वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। मैंने थोड़ी सी वीडियो बना पाई, बट मैं बहुत डर गई थी तो वीडियो आगे मैं बना नहीं पाई। तो हुआ क्या, वो एकदम से भाग कर आए और गाड़ी में, यू नो, गाड़ी का दरवाजा, मैं तो डर गई। मेरे हस्बैंड ने बोला फटाफट गाड़ी में बैठो और हम कहीं और जाके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो मुझे वो गाड़ी का दरवाज़ा भी इनफैक्ट बंद नहीं करने दे रहे थे। तो मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि लोग इस तरीके से कैसे डील कर रहे हैं इस बीमारी के साथ। बट समहाउ जो भी है, बहुत डिसअपॉइंटिंग रहा हमारे लिए। तो हम लोगों ने फिर क्या डिसाइड किया कि हम लोग कुछ ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे, यू नो, इतनी भीड़ भाड़ ना हो, जहाँ पे हमें थोड़े बहुत बच्चे मिल जाएँ जिनको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। तो हम लोग गाड़ी में थोड़ा सा राउंड लेते रहे, तो हमें एक जगह बच्चे दिखे ऐसे, तो हम लोगों ने एक पार्क था, इनफैक्ट पार्क में बच्चे खेल रहे थे, तो हम लोगों ने वहाँ पे जाके उनको बड़े पीसफुली बहुत अच्छे तरीके से उनको वो चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट। तो फिर हम लोग वहाँ से सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट करके अपने घर आए, अपने आप को अच्छे से सैनिटाइज़ किया, अच्छे से हैंड वॉश किया, बिकॉज हालांकि हम लोग कहीं उतरे नहीं थे, हम लोगों ने किसी को टच नहीं किया था, छुआ नहीं था, बट अगर आपने वो वीडियो देखी हो तो वो लोग कितना, यू नो, एकदम से टूट के पड़े थे। तो वो मुझे, यू नो, मेरी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गई थी, मुझे बहुत डर लगने लगा था। तो ठीक है, पार्ट ऑफ लाइफ। तो उनकी भी अपनी मजबूरियाँ हैं, जो भी हो, मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगी इस पर। बट ठीक है, मेरी जो एक्साइटमेंट थी, मैं थोड़ी सी डिसअपॉइंट हुई उस चीज़ को देख। कि हम लोग जानते हैं आज अष्टमी है, तो अष्टमी के दिन आज हम सब लोगों के नवरात्रे आज समाप्त हुए हैं, आज एंड हुए हैं। तो एंड होने का मतलब, नवरात्रे एंड होने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग, यू नो, वो एक्साइटमेंट, वो इन्जॉयमेंट वो ख़त्म हो गई है। नवरात्रे का मतलब यही होता है कि नवरात्रे जब आते हैं तो आपके लिए फेस्टिवल्स लेकर आते हैं, सेलिब्रेशंस लेकर आते हैं और बहुत सारी खुशियाँ लेकर आते हैं। तो मुझे नवरात्रे का सीज़न बहुत पसंद है, इसीलिए मैं सारे नवरात्रे रखना पसंद करती हूँ, सारे व्रत रखना पसंद करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक एक, यू नो, एक मुझे पीस ऑफ माइंड फील होता है, मुझे एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन फील होती है। तो मैं हमेशा नवरात्रे रखना हमेशा समझती हूँ, मुझे सारे नवरात्रे रखने। सो गाइस, ये थी मेरी आज अष्टमी सेलिब्रेशन वीडियो। तो आई होप कि मेरी आपको मेरी अष्टमी सेलिब्रेशन वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, साथ ही शेयर ज़रूर कीजिए। एंड यस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको मेरी कोई भी लेटेस्ट वीडियो जो भी मैं अपलोड करती हूँ वो मिस ना हो। और प्लीज़ अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। अब हमारे फेस्टिवल्स शुरू हो गए हैं, तो तैयारियाँ शुरू कर दीजिए, उससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी, यूज़फुल वीडियोस लेकर आती रहूँगी। तो ज़रूर मेरी वीडियोस को चेकआउट कीजिए, उन्हें ज़रूर देखिए और इन्जॉय कीजिए अपने सारे फेस्टिवल्स को। तो अभी के लिए इतना ही, मैं मीरा कटारिया सेइंग बाय टू ऑल, जय माता दी, और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। एंड डोंट फॉरगेट टू से